हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं 12.2 से क्वेश्चन नंबर 3। यह है सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है। ओके, जैसे ऐड करने के दो तरीके थे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, वैसे सब्ट्रैक्ट करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो एक लाइन में लिखकर हॉरिजेंटली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, या ऊपर नीचे करके भी, ठीक है। दोनों तरीके आपको बताएंगे। वो जो वर्टिकल मेथड लगता है वो बाइनोमियल या ट्राइनोमियल में लगता है, मोनोमियल में हम हॉरिजेंटली ही कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है -5y² फ्रॉम y² सब्ट्रैक्शन में हमें दो चीजें ध्यान रखना है बेटा। पहली चीज, फ्रॉम लगा है अगर, तो फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये आगे लिखेंगे, ये पीछे लिखेंगे, ठीक है बेटा। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है, अभी बता रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे y², अब इसमें से माइनस करना है ना, तो माइनस का सिंबल लगाकर ये वाला लिखेंगे -5y², ठीक है। इसमें माइनस भी है ना, तो माइनस लिखेंगे। और सब्ट्रैक्शन वाले में ब्रेकेट कंपलसरी होता है बेटा, कंपलसरी है ब्रेकेट लगाना। जो भी लिखा रहेगा उसको आगे लिखेंगे, उसके बाद माइनस लगा के फिर ब्रेकेट लगाकर आगे वाला टर्म लिखेंगे। जैसे यहाँ पर भी है, इसको आगे लगे लिखेंगे, फिर माइनस लगाकर इसको ब्रेकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब ब्रेकेट खोलेंगे तो हो जाएगा y² माइनस, और माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, है ना। और ये हो गया 5y². कल मैं लाइव क्लास में इसका टेस्ट लिया था, शाम को लाइव क्लास होती है 6 बजे डेली, 6 से 7। उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया था। अब इसका आंसर क्या आएगा, y² और 5y², यानी 1 लड्डू और 5 लड्डू, कितना हो गया 6 लड्डू ना, 6y² इसका आंसर होगा। बच्चों का आंसर क्या आया था पता है, -4y² आंसर आया था सभी बच्चों का। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्शन वाले में सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा। ये इसका आंसर होगा। आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे भी वैसे करेंगे, उसको आगे लिखेंगे -12xy -6xy, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो, तो इस पे तो ब्रैकेट खोलने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही रहेगा -6xy, है ना। ये माइनस लगा था क्योंकि ये प्लस का था, इसलिए क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर अगर अंदर माइनस होता इसकी तरह तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन प्लस था इसलिए माइनस हो गया। अब दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। 12 और 6 कितना हो गया 18xy, ठीक। माइनस माइनस को ऐड किए हैं तो माइनस का 18 होगा, और वैसे भी बड़े वाले का ही सिंबल लगता है, यह इसका आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, बाकी पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में भी वही काम करेंगे, इसको आगे लिखेंगे a+b और माइनस लगाकर ये वाला लिख देंगे a-b। अब ब्रैकेट खोल दो, तो ये तो ब्रैकेट खुलेगा तो वही रहेगा a+b ही, ये ब्रैकेट खुलेंगे तो अंदर के सारे सिंबल बदल जाएंगे। प्लस का ये था माइनस हो गया, माइनस का बी था प्लस का हो गया, है ना। अब सॉल्व कर लीजिए, लाइक टर्म को पास पास कर लो, ए और माइनस ए, b+b, प्लस ए माइनस ए ये कट जाएगा, b और b ऐड होकर कितना हो जाएगा 2b, यही आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर भी कोई डिजिट है ना, कुछ है, तो पहले हम ब्रैकेट खोल लेते हैं फिर हम इधर उधर करेंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट खोलो, ए का जब बी में मल्टीप्लाई होगा, आपको पता होगा ब्रैकेट खुलने के बाद मल्टीप्लाई अंदर वाले सारे टर्म में होता है, तो अंदर दो टर्म है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ए का बी में मल्टीप्लाई होगा तो वो चिपक कर लिख उठेंगे बेटा, मल्टीप्लाई में चिपक कर लिख उठते हैं पास पास। ए का बी में मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो गया, ए का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5a हो जाएगा, और बीच में माइनस का सिंबल है माइनस फ्रॉम, सेम यहाँ पे भी होगा, बी का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 5b, और बी का जब a में मल्टीप्लाई होगा तो वो ab हो जाएगा, ठीक है। अब इधर उधर कर देते हैं, फ्रॉम लगा है तो उसको पहले लिखेंगे, यानी 5b माइनस ab, फिर माइनस लगाकर इसको लिखेंगे, और माइनस लगाकर ब्रेकेट में लिखेंगे, ब्रेकेट मत भूलना, ab-5a, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना, यहाँ भले हम ब्रेकेट खोल चुके हैं एक बार, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब फिर से ब्रैकेट हम लगा देंगे। अब ब्रैकेट खोलो, तो 5b-ab, अब ब्रैकेट खुलेगा बाहर माइनस है तो सिंबल बदल जाएंगे, ये -ab हो जाएगा, वो +5a हो जाएगा, ठीक है। अब लाइक टर्म देख लीजिए क्या क्या है, 5b, बी कहीं है ही नहीं तो यही रह जाएगा 5b, ठीक है। -ab-ab, इसको हम ऐड कर सकते हैं ना, तो माइनस माइनस ऐड होकर कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, ठीक है। और सिंबल माइनस का ही लगेगा क्योंकि माइनस माइनस ऐड किए हैं, और +5a, यही अब और सॉल्व नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक बेटा। हो सकता है आंसर शीट में
ये 5a आगे लिखा हो, माइनस 2b पीछे लिखा हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, टर्म इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देख लेते हैं, ये फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में ये एक बाइनोमियल है, इसको सबट्रैक्ट करना है एक ट्राइनोमियल में से, है ना। तो इसको हम दोनों तरीके से आपको सिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड। तो पहले हॉरिजॉन्टल मेथड देख लीजिए, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, पहले इसको आगे लिखेंगे, 4m² - 3mn + 8, फिर माइनस लगाकर ब्रैकेट में आगे वाला टर्म लिखेंगे जो भी है, -m² + 5mn, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4m² - 3mn + 8, बाहर माइनस है तो अंदर सारे सिंबल बदल जाएंगे, ये प्लस का एम स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 5mn हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब लाइक टर्म में देख लेते हैं, 4m² + m² ये वाला, इसको पास लेके आ गए, m² एक पास कर लिए, अब दोनों mn को एक पास कर लें, -3mn - 5mn और +8। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे बेटा, जरूरी नहीं है आप पास पास लिखें, अगर आप इतना काम कर रहा है दिमाग आपका कि डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है डायरेक्ट कर लिया करो, जैसे 4m² 1m² 5m², तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये वाला स्टेप जो है स्किप कर सकते हो। तो 4 और 5 ये एक कितना हो गया 5m², -3mn - 5mn, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे और हो जाएगा क्या -8mn, ठीक है। और डिजिट तो केवल एक ही है 8, तो +8, यही आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक। वर्टिकली मेथड से अगर इसको करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, तो इसमें से माइनस करना है तो इसको ऊपर लिखेंगे, 4m² - 3mn + 8, ठीक है। अब इसको हम नीचे लिखेंगे, उसमें से माइनस करना है ना, तो एम स्क्वायर लिखना है तो हम एम स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे, तो इसी के नीचे लिखेंगे -m². एम एन हम एम एन के नीचे लिखेंगे, प्लस का है ना +5mn, बस दो ही है, डिजिट है ही नहीं, तो ये हो गया हमारा वर्टिकली मेथड, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होता है, सब्ट्रैक्शन में प्लस में नहीं ध्यान देना था, ये चीज़ केवल माइनस में ध्यान देना था, कि माइनस में हम क्या करते हैं, नीचे वाले एक्सप्रेशन के सिंबल बदल देते हैं, ये माइनस का एम है तो इसके नीचे हम प्लस लगा देंगे बेटा, ये प्लस है तो इसके नीचे हम माइनस लगा देंगे, ठीक है, इसके नीचे कुछ होता सिंबल बदल देते हैं, ठीक, सिंबल बदल देते हैं नीचे वालों के। अब हम यही वाला मानेंगे जो हमने चेंज किया है, ऊपर वाला भूल जाओ, ठीक है। वो क्यों हुआ, क्योंकि इस वजह से जैसे यहाँ पर हुआ था वैसे ही, अब ये प्लस का एम हो गया एम स्क्वायर, तो 4m² और +1m² कितना हो गया 5m², माइनस के ये भी माइनस के ये भी ऐड हो जाएंगे, -8mn हो जाएगा, इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है बेटा, ऐसे ये सॉल्व होगा। अब ये मत सोचना कि क्वेश्चन तो था हेडिंग सब्ट्रैक्ट और सर ने कर दिया ऐड, इससे मतलब नहीं है, ठीक है, आपको सिंबल के हिसाब से काम करना है। सब्ट्रैक्ट आपने वही कर दिया था जब इसने लिखने के बाद नीचे आपने सिंबल चेंज कर दिया, तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब बाकी आप देखिए सिंबल के हिसाब से क्या होना चाहिए वहां पर, प्लस या माइनस, ठीक, देखिए वही आंसर आया भी है वहां पर, ओके। मिलते हैं क्वेश्चन 6 पार्ट देख लेते हैं, 6 पार्ट में वैसे ही करेंगे, उसको आगे लिखेंगे 5x - 10, फिर सब्ट्रैक्ट हेडिंग है तो माइनस लगाकर ब्रैकेट में आगे वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि है -x² + 10x - 5, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे 5x - 10, अब बाहर माइनस है तो सारे सिंबल बदल जाएंगे, ये प्लस का x² हो जाएगा और प्लस का 10x है तो माइनस का 10x होगा और माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। सिंबल क्यों बदलते हैं, क्योंकि इस माइनस का अंदर सभी में मल्टीप्लाई होता है ना, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है। अब लाइक टर्म हम साथ साथ लिख लेते हैं, 5x - 10x, एक्स और एक्स साथ साथ हो गए, फिर +x², ये तो अकेला ही है, अकेला ही रहने दो, और डिजिट्स दो हैं +5 - 10, ठीक है। अब 5x में से 10x जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 5x, है ना, और ये +x² और इसको भी सॉल्व कर लो, 5 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा, है ना। अब क्या करते हैं, ये तो आंसर आ गया आपका, यहाँ तक लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद एक काम और कर सकते हो कि आप बड़ी पावर को पहले लिख सकते हो, ठीक है, ये जो x² है ये बड़ी भी है, इसकी x की पावर ज़्यादा है 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और ये पॉजिटिव भी है,
पॉजिटिव चीज़ें और बड़ी चीज़ें पहले लिखा करो। तो ये एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, ये फिर माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव, ठीक है, ये सही तरीका है लिखने का बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं कुछ, आइए सेवन पार्ट देख लेते हैं। सेवन पार्ट में भी सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को हम आगे ला के लिखेंगे, थ्री ए बी माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, फिर माइनस लगा के ब्रेकेट में इधर वाले लिखेंगे, फाइव ए स्क्वायर माइनस सेवन ए बी और प्लस फाइव बी स्क्वायर, ठीक, ब्रेकेट खोलेंगे तो थ्री ए बी माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, ब्रेकेट खोलेंगे सारे सिंबल बदल जाएंगे, तो ये माइनस का फाइव ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का सेवन ए बी हो जाएगा और ये माइनस का फाइव बी स्क्वायर हो जाएगा। अब लाइक टर्म ढूंढते हैं, ए बी ए बी पास में लिख लेते हैं, थ्री ए बी प्लस सेवन ए बी, वहाँ वाला हमने इधर ला के लिख दिया। अब ए स्क्वायर को पास में लिख लेते हैं, दोनों माइनस के हैं तो माइनस टू ए स्क्वायर माइनस फाइव ए स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर को पास में लिख लेते हैं, ये भी बी स्क्वायर वो भी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर माइनस फाइव बी स्क्वायर, ओके। लाइक टर्म पास पास हो गए, अब सॉल्व कर लो, थ्री ए बी सेवन ए बी एड होगा कितना हो जाएगा, टेन ए बी, माइनस के दोनों हैं ए स्क्वायर तो ऐड हो जाएंगे, टू और फाइव सेवन माइनस सेवन ए स्क्वायर, वहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस सेवन बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा आपका। आइए देख लेते हैं, आइए एट पार्ट देखते हैं, एट पार्ट में भी सेम चीज़ें करना है, उसको आगे लिखेंगे, फाइव पी स्क्वायर प्लस थ्री क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, ठीक है। अब माइनस लगा के ये वाला लिख देंगे ब्रैकेट में, फोर पी क्यू माइनस फाइव क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट खोल देते हैं, फाइव पी स्क्वायर प्लस थ्री क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, अब सारे सिंबल बदल जाएंगे, प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस फोर पी क्यू प्लस फाइव के स्क्वायर और ये भी हो जाएगा प्लस थ्री पी स्क्वायर। अब लाइक टर्म को पास पास लिखेंगे, फाइव पी स्क्वायर और कहाँ है पी स्क्वायर, उधर है, प्लस थ्री पी स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर प्लस थ्री क्यू स्क्वायर और कहाँ है क्यू स्क्वायर, वहाँ पर है, प्लस फाइव क्यू स्क्वायर, पी क्यू पी क्यू यहाँ भी है माइनस पी क्यू और ये भी है माइनस फोर पी क्यू। अब सॉल्व कर लेते हैं, लाइक टर्म पास पास हो चुके हैं, थ्री और फाइव और थ्री कितना जाएगा, एट एट पी स्क्वायर, ये भी ऐड हो गया कितना हो जाएगा, एट क्यू स्क्वायर ना, फाइव और थ्री ये भी माइनस माइनस है तो ये भी ऐड हो जाएंगे लेकिन माइनस के एट ना, फोर पी क्यू और एक पी क्यू ये कितना हो गया, फाइव पी क्यू, ठीक है बेटा। अब नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि अनलाइक टर्म्स बचे हैं, ये आंसर हो जाएगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, तब तक के लिए जय हिंद।